आज सबको मैं खूब साधुवाद देता हूं। इतने संयम और धैर्य से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तब से लेकर आज तक इस हमारे इस पवित्र मंदिर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के में मैं आता हूं, पर 10-12 साल में इतने धैर्य के साथ हम सब अपनी बातें कहते रहे और सुनते रहे। कहना अच्छी बात थी पर सुनना उससे अच्छी बात। साथियों, 23-24 दिन हुए हैं लोग हमारे विधानसभा के रिजल्ट के, हार के रिजल्ट को आए। उसके 12-13 दिन बाद में जब भोपाल आया, मेरी नियुक्ति हुई, उमंग जी और हम सब परिवार के लोग हेमंत और सारे आए, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग सड़कों पे खचाखच, भोपाल की सड़कें भरी थी, देवास की भरी थी, उज्जैन की भरी थी। ये इसलिए नहीं था कि कोई व्यक्ति का असर था, ये इसलिए था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह वैसा ही है और उससे ज्यादा आग है। वो आग जो चुनाव में ये एहसास कराती थी कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पंजे की बनेगी, पर सरकार बनी नहीं। वो आग एक एक आम कार्यकर्ता में उसको जीवित कैसे रखना है, हम सबकी जिम्मेवारी है। साथियों, आप सब ने बहुत सुझाव रखे और जो सुझाव आए उससे 5-7 बातें निकल के मूल आई है, सबने लिखित में भी दिए हैं, उनको भी कंपाइल किया जाएगा। सबसे पहले अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पारंगत नहीं हो सकते, जब तक आधी आबादी के वर्चस्व को हम बढ़ाएंगे, महिलाओं की ताकत को समझें और उसको साथ मिले, और हर स्केल पे, हर स्तर पर महिलाओं के योगदान को, सहयोग को और सहायता को एकजुटता से साथ में लेकर नहीं चलेंगे, तो अब वोट बीजेपी को महिलाओं का ज्यादा मिला है, ये एहसास अपने रिजल्ट और अपने आंकड़ों और डाटा के हिसाब से आता है। तो सबसे पहला संकल्प हमारा है कि हमारी महिला कांग्रेस और महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए हम कैसे कार्य योजना बनाएं। दूसरा, संगठन मजबूत, छोटा, उपयोगी और संगठन का सम्मान। मतलब एक बात निकल के आई, अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा, संगठन का स्वरूप छोटा। जो अंधाधुंध नियुक्तियां हुई ये निंदा का पात्र बनी, इससे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिला। इसको मजबूत कैसे किया जाए, मतलब उस संगठन के व्यक्ति को जिसको आप जिम्मेवारी देते हो, उसकी ताकत को, उसके सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा, छोटा, जो बनाओ उसका सम्मान हो, 100 बनाओगे एक का भी सम्मान नहीं बचेगा, मैं मानता हूं, और उस संगठन की रक्षा हो। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनका सम्मान है, पर अल्टीमेटली संगठन बड़ा है जिससे जनप्रतिनिधि चुनने में आता है, ये एहसास बने, इसको हम सबको ताकत देनी पड़ेगी। दूसरा, संगठन नया और युवा हो। सब आपकी बातों से जो बातें निकल के आई, ये मेरी भाषा है, भावना नहीं है, मैं सबकी बात एक एक की सुन रहा था। संगठन नया और युवा हो, इस पर जोर दिया है आप सबने, मैं मानता हूं इस एहसास को हम सबको जीना चाहिए। नई तकनीक और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लगातार संगठन की क्रियाकलाप, गतिविधियां कैसे बनी रहे, इस पर भी आप सबने किसी न किसी प्रकार से जोर दिया है। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर दौरे चालू हो, पूरी पार्टी के नेता करें, जो पदाधिकारी वो भी करे और उनकी मानी टीम हो। आप सबने कहा, ये मेरे से लेके पीसीसी के अध्यक्ष से लेके सभी परिवार के लोगों को आप लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जमीन पर रहो, दौरे बनाओ, उत्साह लाओ, लड़ो, झगड़ो, संगठन का काम करो, कार्यकर्ताओं से बातें करो, संगठन को स्ट्रेंथन करो, ये बातें आप सबके बीच में से निकल के आई है। और इन सब बातों को करने के लिए जो मेरे अंतर मन में जो शुरुआत में बात आई थी, फिर से आती है, ये सब हो कैसे सकता है, ये सिर्फ एक मंत्र से हो सकता है, मैं नहीं हम। ये मैं नहीं हम और सामूहिक नेतृत्व, इसके अलावा हम इस लड़ाई को पार नहीं पा सकते, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कितना भी ताकतवर हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसमें असीम आर्थिक क्षमताएं हो, पर जब तक हम नहीं होंगे तब तक वो दम नहीं आएगा। तो साथियों,
अंतिम भावना आप सबको मैं फिर स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, 5 स को हम सब आत्मसात करें, संघर्ष को, समन्वय को, सक्रियता को, संकल्प को और संवाद को। याद रखें इस बात का कि ये सब एक संगठन की ताकत होती है। और मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरा अनुभव आपसे कम है, मेरी उम्र भी आपसे कम है, मंच पर बैठे परिवार के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप में से ही बल मिलेगा, हम सब पास होंगे। आप सब जो सामने बैठे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित है हमारा संघर्ष जो 20 साल का लगातार है, इस संघर्ष में जान आएगी, हमें भी उत्साह आएगा। हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, कुशासन को, जिस तरीके की हठधर्मिता हद दर्जे की है, उससे लड़ पाएंगे। मैं एक बार फिर आपको आशा और विश्वास से इस भावना को व्यक्त करता हूं कि आपके विश्वास पर जो देश के नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तमाम सीनियर नेताओं ने, जो परिवार के लोग चुनाव लड़े, वो चाहे चुनाव हारे या जीते, उनसे भी संगठन ने, ऊपर नेतृत्व ने पूछा था कि किस तरह का स्वरूप हो आने वाले नए नेतृत्व का। सब ने भरोसा जो मुझ पे किया, उमंग जी पे किया, हेमंत जी पे किया, हम आपका भरोसे को कायम रखेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस के वर्तमान विधायकों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और जिला संगठन मंत्रियों की संयुक्त मैराथन बैठक अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, विधानसभा के उपनेता हेमंत कटारे सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी की सक्रियता एवं आगामी लोकसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम सभी मैं का भाव छोड़कर हम की भावना से काम करें, अर्थात जब हम सामूहिक नेतृत्व में अपनी आस्था रखते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। किसी भी संगठन की शक्ति उसकी अंतिम पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता की शक्ति में निहित होती है। मैं अध्यक्ष होने के नाते आज से अपनी सारी शक्ति अपने संगठन की अंतिम इकाई को समर्पित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बूथ, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ता सर्वशक्तिमान होंगे। पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस संघर्ष के दौर में जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनौती के समय को हम सभी मिलकर अवसर में तब्दील करेंगे। पटवारी ने कहा कि बैठक में आए सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि संगठन नया और युवा हो, मैं आप सभी की इन भावनाओं के अनुरूप कार्य करूंगा। पटवारी ने संगठन की मजबूती के लिए 5 स का मंत्र दिया, संकल्प, समन्वय, संघर्ष, सक्रियता से सफलता। उन्होंने कहा कि हम इस बात का संकल्प ले कि हम संगठन में पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे, सब बेहतर समन्वय बनाकर काम करेंगे, कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी संगठनात्मक सक्रियता को बरकरार रख सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं को छोड़कर हम की भावना से काम करें तभी संगठन मजबूत बनेगा। मुझे आप सभी से बल मिलेगा, संगठन में और अधिक मजबूती आएगी। पटवारी ने कहा कि मैंने भी पिछले 25 साल से कार्यकर्ता, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, मप्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की सेवा की है और अब पार्टी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। लोकसभा का चुनाव सामने है, आगे की लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे। नकारात्मक राजनीति से हम सब बचें।